नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पिछले दो वर्षों से आंकड़े बताते हैं गांव में जहां मिट्टी दियों की बिक्री में काफी गिरावट आई है, जिसके चलते आज कुम्हार जाति के लोगों को पैसों की तंगी झेलने के लिए बेबस होना पड़ रहा है। वही दीपावली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कुंभकारों की चाक तेजी से घूमने लगे हैं। कोशिश और परंपरा को जीवित रखने में इनका योगदान हमेशा सराहनीय रहा है। कभी दीप बनाने में तो कभी बच्चे के लिए गुल्लक, मिट्टी के बर्तन, रोशनी के पर्व को लेकर कुंभकार समाज इन दिनों बड़ी तन्मयता और मेहनत घरों में रोशनी कराने वाले दीप बनाने में लगे हैं। इधर कुंभकारों की माने तो कड़ी मेहनत के बाद भी आज इनका व्यवसाय तो बरकरार है, लेकिन हम और आप बदलती जीवन शैली के साथ अपनी परंपरा सभ्यता को दरकिनार कर आधुनिकता दामन पकड़कर इस सामाजिक परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। आज आसानी से बाजार में चाइनीज सामान उपलब्ध हो रहा है, जैसे चाइनीज लाइट बल्ब, खिलौने, कम खर्च में तरह तरह के बल्ब बाजार में मिलने लगे हैं। इसी के कारण लोग मिट्टी के दिए से दूर होते जा रहे हैं। इनसे कुम्हारों की जिंदगी में नई मुश्किल खड़ी कर दी है। सुखना महतो ने बताया कि चाइनीज लाइट आने से हम लोगों का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज बाजार में चाइनीज लाइट आसानी से कम दाम में मिल जाती है, जिस कारण मिट्टी के दिए में काफी गिरावट आई है। पैसों की तंगी बताते हैं कि गांव में जहां मिट्टी दियों की बिक्री में काफी गिरावट आई है, जिसके चलते आज कुम्हार जाति के लोगों को पैसों की तंगी झेलने के लिए बेबस हैं। रोशनी का त्योहार है, घरों में रोशनी करने के लिए कुम्हार दिन रात एक कर मिट्टी के दीपक बनाने में जुटे हुए हैं। दीपावली नजदीक आते ही कुम्हार समाज के लोग दिए बनाने लगे हैं। भगत जी कहते हैं कि दीपक बनाने की तैयारी कुम्हार समुदाय एक माह पूर्व करते हैं। हालांकि नए दौर में बने रेडीमेड दियों ने रोजगार कम कर दिया है। दिए का प्रचलन अब सिर्फ सगुन के लिए रह गया है। इसके चलते जरूरत मुताबिक ही मिट्टी बनाए जा रहे हैं। कड़ी मेहनत के बाद दियों को तैयार किया जाता है। मिट्टी को छानने, उसे तपाने और बनाने से लेकर सुखाने में 4 दिन लग जाते हैं। जब से आया ना, तब से हम लोग भी जो दिया बनाते हैं उन लोग को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो चैनीज लाइट आता है उसमें मतलब कम बेसी रेट में भी हम लोग बिक जाता है। और हम लोग जो दिया बनाते हैं वो दिया मतलब कि कम बेसी रेट में बेचते हैं तो नहीं बिकता है, कम रेट में मांगते हैं। और जहाँ तहाँ बहुत चाइनीज आजकल के डेट में पूरा फैल गया है, और फैलने के कारण से हम लोग जो भी दिया रहता है मिट्टी के दिया, उसको कोई रेट भाव, कोई मूल्य इसका अथी नहीं रहता है। अभी के बिक्री में तो बहुत असर रह गया है। जो दिया 2 रुपया में बिकता है वो 1.5 रुपया मांगता है, और हर आदमी के पास पैसा नहीं रहता है। जैसे जो बड़े बड़े आदमी रहते हैं वो तो बस खाली चाइनीज आपने दिखावा के लिए चाइनीज लाइट मंगाते हैं, और मिट्टी के दिया बस खाली नाम के लिए 2-3 को जलाते हैं। अभी हम लोग 3 से 4 हज़ार दिया बना है, और इसको हम बाजार में ले जाएंगे और बाजार में बैठ करके उसको बेचेंगे। बिकेगा दिया मतलब 3-4 हज़ार जो बना है तो उसमें 2 रुपया के हिसाब से बेचेंगे। कहीं अगर मार्केट में अगर हो सके, अगर चाइनीज लाइट आ जाएगा तो उसमें से कम भी हो सकता है दिया का, मतलब 1.5-2 रुपया भी बिक सकता है उसमें से। वही सोचिए कितना कमाएंगे। वही हमारे के बहुत सब कुछ पड़ेगा, जैसे चाइनीज लाइट जो हो जाए तो हमारे दिया का बिक्री कुछ कम हो जाएगा। हाँ, ऊपर से हमके बहुत थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगा, बहुत सा असर है। कोरोना काल में से कभी कुछ ऐसे होगा कि बहुत नहीं भी बिक्री होने का बहुत से बर्बाद मौका हो गया अभी। हाँ, बिक्री करते हैं कि अभी कम से कम 8-10 हज़ार बने थे, और जोड़ा 5 रुपये का हिसाब बेचे थे। कभी छोटा वाला का जोड़ा 5 रुपये है, और बड़ा वाला का 5 रुपये पीस बेचे थे, और कलसा 20 रुपये, और धूपदानी 25 रुपये का हिसाब। रोजी रोजगारी का से कम से कम इस सीजन में कम से कम 5-7 हज़ार रुपये का अथी हो जी। बिक्री होते हैं से हम नुकसान ही होते चलिए जुट के हटा के चाहिए, हमार खरीदे के चाहिए, ये बात नहीं चलिए। आखा तो कहीं तो बाजार में बेचा। अच्छा, बाजार में बेचा। हम लोग का जो दिया है सो चाइनीज दिया है, सो उसके चलते हम लोग का दिया नहीं बिकता है। जो हम लोग मेहनत करके बनाते हैं वो दिया सभी को अपने घर में दीपावली में जलाएं। हम लोग बहुत ज़्यादा दिया बनाते हैं, और चाइनीज दिया के चलते हैं बहुत सा दिया बच जाता है, और नुकसान झेलना पड़ता है। चाइनीज वाले आइटम आ गए, तब
से देसी दिए के लेकिन हम लोग का परंपरा पाँच रुपये सभी कोई देसी बिजनेस बना रहे का त्यौहार है दीपावली खुशी का त्यौहार है और इसमें हम जब शुरुआत से ही हम मिट्टी का दिया से कहीं यूज़ कर रहे हैं और दूसरी बात है कि जनता भी मार्केट में बहुत सारा चाइनीज प्लेट आ गया है इस कारण से दिया का जो बिक्री में प्रभाव पड़ रहा है और कुम्हार को बहुत तरह का दिक्कत हो रही है और साथ में ये मिट्टी का दिया जो होता है शुभ होता है और अभी पब्लिक को देख रहे हैं कि चाइनीज लाइट आने के बाद जो चकाचौंध में चले गए हैं और चाइनीज लाइट का यूज़ कर रहे हैं और दिया खरीदने में गिरावट आ गई है जिस कारण कुम्हारों को भी दिक्कत हो रही है अपने रोजी रोटी चलाने में। मैं सभी मैंने पब्लिक को मैं अनुरोध करूंगा कि मिट्टी का दिया यूज़ करें और चाइनीज लाइट का बहिष्कार करें।